हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंतिका मिश्रा, स्वागत है आपका केयरिंग रेमेडीज़ पर। आज का दोस्तों जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों में जो खून की कमी होती है उसको लेकर के, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब ये बीमारी होती है खून की कमी यानी कि एनीमिया, उसके कुछ ऐसे लक्षण होते हैं बच्चों में जो कि पेरेंट्स समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर बच्चे को समस्या क्या है, क्या दिक्कत है जिसकी वजह से बच्चे को ये सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जो खून की कमी होती है बच्चों में एनीमिया होता है, तो उसके लक्षण कुछ इस तरह से हो सकते हैं कि बच्चे को भूख ना लगे, बच्चे में मतलब कंसंट्रेशन की कमी हो जाए, बच्चे में बहुत जल्दी थकान हो जाए, बच्चे की जो आँखें हैं वो पीली पीली लगने लगती हैं, और इसके साथ ही साथ बच्चे के पैरों में काफ़ी दर्द रहता है। जब बच्चा रात को सोता है तो वो बोलता है कि मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा है, पैर दबवाने के लिए। कभी कभी कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि जो ये पैरों का दर्द होता है वो ग्रोइंग एज पेन भी हो सकता है, या फिर बच्चा दिन भर काफ़ी ज़्यादा खेल लिया है, कुछ ज़्यादा ही मतलब काम इधर उधर दौड़ा हुआ है, तो इस वजह से भी हो सकता है कि बच्चे का पैर दर्द हो रहा हो। लेकिन अगर रेगुलर बेस पर कई बार ऐसा देखा गया है कि जब बराबर पैरों में दर्द रहता है बच्चों के, या फिर उनको भूख नहीं लगती है, या फिर इसके साथ साथ जो मैंने बाकी आपको बताए हैं लक्षण, वो सारे लक्षण दिखाई देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि ये जो लक्षण है ये एनीमिया की वजह से हों और बच्चे को जो भी समस्याएं हैं वो खून की कमी के कारण ही हो रही हैं। तो ऐसी कंडीशन में पेरेंट्स अक्सर क्या करते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं और कुछ टॉनिक वगैरह या सप्लीमेंट वगैरह देने लगते हैं बच्चों को, लेकिन उन सप्लीमेंट या फिर उन टॉनिक से उतना ज़्यादा जल्दी असर नहीं होता है जितना जल्दी आप घरेलू चीज़ों का प्रयोग करके और बच्चों के खान पान, बच्चों की डाइट में चेंज करके बच्चों को आप खून की कमी उनकी जो है उसको दूर कर सकते हैं। और जहाँ तक मेरा मानना है, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चे के अंदर भी ये लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो एक बार आप अपने बच्चे के ब्लड चेक ज़रूर करवा लीजिए कि हो सकता है आपके बच्चे में हीमोग्लोबिन की कमी हो और उसी वजह से ये सब हो रहा हो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको अपने बच्चे की डाइट में अनार को ज़रूर ऐड करना चाहिए। फ्रूट्स में आपको अनार एक डेली बच्चे को ज़रूर खिलाना चाहिए। अगर बच्चा बहुत छोटा है तो आप उसको अनार का जूस दे सकते हैं, और अगर बच्चा बड़ा है तो आप उसको डायरेक्टली मतलब इसी अनार के दाने निकाल के दे सकते हैं। तो जब बच्चा दांतों से चबा चबा कर अनार खाएगा तो उससे बच्चे के बॉडी में आयरन की कमी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी और बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। इसके अलावा अब हम लोग बात करते हैं वेजिटेबल की। घर में बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स होती हैं जो हमें बच्चों को देना चाहिए अगर बच्चों में आयरन की कमी हो गई है तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपको चुकंदर अपने बच्चे को ज़रूर देना चाहिए। एक चुकंदर आप अपने बच्चे को डेली खिलाइए। आप उसको चाहे जैसे भी सब्जी में भी दे सकते हैं, आप उसका जूस निकाल के दे सकते हैं, आप उसका सलाद दे सकते हैं, मतलब जैसा भी बच्चा आपका खा सकता है आप उसको वैसे ही खिलाइए। छोटे बच्चे हैं तो जूस के फॉर्म में या प्यूरी के फॉर्म में दीजिए, और बड़े बच्चे हैं तो आप उसको डायरेक्टली मतलब सलाद, सब्जी या फिर इस तरह से आप खिला सकते हैं। क्योंकि सब्जियों में जो चुकंदर है वो एक तरीके से सबसे ज़्यादा मात्रा में चुकंदर के अंदर आयरन पाया जाता है, तो अगर आप अपने बच्चे को चुकंदर खिलाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा ये बच्चे के आयरन की कमी को पूरा करने में। इसके अलावा और भी बहुत सी सब्जियां हैं जो आप अपने बच्चे को खिला सकते हैं, जैसे कि हरी सब्जियां जो होती हैं, आपका भिंडी हो गया, पालक हो गया, मेथी हो गया, ये जो भी मतलब पत्तेदार हरी सब्जियां हैं इनमें सब में बहुत अधिक मात्रा में आयरन होता है। ब्रोकली है, इसके अलावा टमाटर हो गया, ये सब चीज़ों में बहुत अधिक मात्रा में आयरन होता है। आप बच्चे की डाइट में इन सब चीज़ों को ज़रूर शामिल कीजिए तो आप अपने बच्चे की जो भी आयरन की कमी है उसको आराम से पूरा कर सकते हैं, और बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी टॉनिक के। इसके अलावा जो थर्ड मैं बताने जा रही हूँ वो है बच्चों में ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि बच्चे कई बार ड्राई फ्रूट्स को बहुत पसंद करते हैं। आप ड्राई फ्रूट्स में अपने बच्चे को किशमिश ज़रूर खिलाइए, और आप बादाम वगैरह भी दे सकते हैं, बादाम, काजू, ये सब दे सकते हैं, लेकिन किशमिश को आप ज़्यादा मात्रा में रखिए क्योंकि किशमिश में ज़्यादा मात्रा में आयरन पाया जाता है। ये जो किशमिश है आप बच्चे को रात में भिगा करके और सुबह उसको आप अपने बच्चे को खिला दीजिए, तो इस तरह से अगर आप खिलाते हैं तो इससे बच्चे में जो आयरन की कमी है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। इसके अलावा अब हम आपको बताते हैं कि आपको अनाज में अपने बच्चे को राजमा ज़रूर देना चाहिए। राजमा आपको खिलाना चाहिए बच्चे को, रागी होता है, रागी आप दे सकते हैं अपने बच्चे को। इसके अलावा आप अपने बच्चे की डाइट में दालों को शामिल कर सकते हैं, और ज़्यादातर आप मूंग की दाल दीजिए बच्चे को, मतलब चना की दाल या फिर अरहर की दाल ये थोड़ा सा कम कर दीजिए, और मूंग की दाल की क्वांटिटी आप बढ़ा दीजिए। आप मूंग की दाल में पालक को मिला करके दे सकते हैं, आप मूंग की दाल में टमाटर डाल करके दे सकते हैं बच्चे को, तो इस तरह से आप जब कॉम्बिनेशन करके बनाएंगे और बच्चे को खिलाएंगे तो वो उसको टेस्टी भी लगेगा और साथ ही साथ वो उसकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा।
और मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप अगर मूंग की दाल दे रहे हैं अपने बच्चे को, तो मूंग की दाल आप जो देंगे वो छिलके वाली दीजिएगा, तो उसमें वो हाई फाइबर होता है, क्योंकि जो धुली हुई दाल होती है उसमें कभी कभी कुछ मतलब पाउडर वगैरह मिला रहता है, या फिर वो पॉलिश वाली दाल हो सकती है, तो इसलिए बच्चे को वो कम दीजिए। और जो छिलके वाली मूंग की दाल होती है वो बच्चे को आप ज़्यादा मात्रा में दीजिए, और बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि बड़े लोगों के लिए भी वो बहुत हेल्प करती है, क्योंकि इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में प्रोटीन भी होता है और साथ ही साथ आयरन भी होता है, कैल्शियम होता है, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं दालों में। तो आप अपने बच्चे की डाइट में दालों को ज़रूर शामिल कीजिए, और साथ ही साथ राजमा हो गया, चने हो गए, काले चने हो गए, और जो छोले वाले चने होते हैं, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर शामिल कीजिए। आप अपने बच्चे को डेली बेसिस पे आप ज़रूर खिलाइए इन सभी चीज़ों को। इसके अलावा आपको अपने बच्चे की डाइट में गुड़ को ज़रूर शामिल करना चाहिए। आप अगर चाहें तो बच्चे को, अगर आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा है, तो आप उसको भुने हुए चने और गुड़ के साथ में खिला सकते हैं। इससे भी बहुत ही जल्दी ब्लड की जो कमी होती है वो पूरी हो जाती है। आप चने के साथ में नहीं देना चाहते हैं तो आप उसको डायरेक्टली मतलब गुड़ ज़रूर खिलाइए। बच्चा छोटा हो तो आप उसको गुड़ आप दे सकते हैं दूध में या फिर खीर में मिला करके, या फिर किसी भी तरह से आप उसको गुड़ खिला सकते हैं। और अगर बड़ा बच्चा है तो आप उसको डायरेक्टली भी गुड़ खिला सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने बच्चे की डाइट में काले तिल और सफ़ेद तिल, इन दोनों तिल को ज़रूर शामिल करना चाहिए। आप चाहे तो तिल के लड्डू बना सकते हैं, घर पर बच्चों को लड्डू बना करके दे सकते हैं, या फिर तिल की बर्फ़ी होती है। आप जिस फॉर्म में मतलब आपका बच्चा जैसे भी खाना चाह रहा है आप उसको खिलाइए, लेकिन आप उसको तिल ज़रूर दीजिए, उसकी डाइट में तिल ज़रूर शामिल कीजिए, क्योंकि तिल में भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है और साथ ही साथ आयरन होता है। तो बच्चे की बॉडी में जो भी आयरन की कमी होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है अगर आप अपने बच्चे को तिल खिलाते हैं तो। इसके अलावा आप अपने बच्चे की डाइट में शकरकंद जो होता है, आलू होता है, शकरकंद होता है, इन सब चीज़ों को भी शामिल करिए। सभी चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन पाया जाता है, तो इन सभी चीज़ों के सेवन से भी आप अपने बच्चे की आयरन की कमी को बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। इसके साथ साथ आपको एक बात का ध्यान रखना और भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपके बच्चे में खून की कमी की समस्या है तो आप अपने बच्चे की डाइट में थोड़ा सा दूध को कम करिए, क्योंकि इनमें जब आयरन की मात्रा कम होती है और कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, तो जो कैल्शियम होता है वो आयरन को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो बढ़ने नहीं देता है आयरन को। तो इस वजह से आपको अपने बच्चे को दूध कम मात्रा में पिलाना चाहिए, और अगर आप कैल्शियम से युक्त बाकी आहार भी दे रहे हैं जैसे डेयरी प्रोडक्ट वगैरह, पनीर, घी, मक्खन, तो ये सब चीज़ों को थोड़ा कम कर दीजिए। और इसकी जगह पर आपको अपने बच्चे की डाइट में विटामिन सी वाले जो फ्रूट्स हैं, फल हैं, उनको शामिल करना चाहिए। और इसके साथ साथ आप जो आयरन बेस्ड जो फूड बताया है उन सभी चीज़ों को आप शामिल कीजिए। क्या होगा कि आपके बच्चे के बॉडी में जो आयरन की कमी है वो पूरी हो जाएगी, और जो आपके बच्चे के बॉडी में कैल्शियम अगर ज़्यादा रहेगा तो वो आयरन को बढ़ने नहीं देगा। तो इसलिए आपको कैल्शियम की मात्रा थोड़ा सा कम ही रखनी है, लेकिन ऐसा भी कम नहीं करना है कि आपको कैल्शियम बच्चे की बॉडी में कैल्शियम की मात्रा बहुत ही ज़्यादा कम हो जाए, आप दूध बंद कर दें, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। दूध भी बच्चे को बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए, इसलिए आपको दोनों चीज़ों में बैलेंस डाइट बना करके रखना है, क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादातर दूध के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं, बशर्ते कि खाना खाने के बच्चे खाना खाना नहीं पसंद करते हैं, बच्चे दूध पीना ज़्यादा पसंद करते हैं। कि मेरी बेटी भी जब छोटी थी तो वो भी खाना नहीं खाती थी और ज़्यादातर टाइम वो दूध ही मतलब मांगती थी, दूध ही पीती थी, तो इस वजह से उसको भी आयरन की कमी हो गई थी, और अभी वो पूरी तरह से स्वस्थ है, क्योंकि जब डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया तो उन्होंने मुझे यही सजेस्ट किया कि आप दूध की मात्रा को कम करिए अपने बच्चे के लिए, और थोड़ा सा आयरन बेस्ड जो फूड होते हैं उनकी मात्रा को बढ़ाइए। और मैंने ऐसा किया है तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, मेरी बच्ची की बॉडी में जो आयरन की कमी थी वो बहुत जल्दी पूरी हो गई है। और तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विटामिन सी से युक्त फूड्स के बारे में, चाहे वो फ्रूट्स हों चाहे वो वेजिटेबल्स हों, जिन चीज़ों में विटामिन सी की अधिक मात्रा होती है वो आपको अपने बच्चे को ज़्यादा मात्रा में खिलाना चाहिए, क्योंकि विटामिन सी से ही आपके बच्चे को आयरन मिलेगा। अगर आपके बच्चे के बॉडी में विटामिन सी अच्छी मात्रा में रहेगा तो आयरन की कमी आपके बच्चे में कभी भी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आपको विटामिन सी से युक्त जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल होते हैं, यानी जैसे कि आप संतरा हो गया, मौसम्मी हो गया, नींबू हो गया, आंवला होता है, मतलब बहुत से ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनमें कि विटामिन सी बहुत अधिक मात्रा में होता है, तो आपको अपने बच्चों को ये ज़रूर खिलाने चाहिए। इन सभी से आप अपने बच्चे की आयरन की कमी को बहुत जल्दी जल्दी पूरा कर सकते हैं।
तो एट द एंड मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपको अपने बच्चे की डाइट में रेड ग्रीन एंड ब्राउन कलर के जो भी मतलब फ्रूट्स होते हैं या फिर वेजिटेबल्स होते हैं उनको ज़रूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि इन सभी में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आयरन पाया जाता है। और आप अपने बच्चे की आयरन की कमी को इन सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से ही पूरा कर सकते हैं, आपको बाहर की दवाइयों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।